वेलकम टू माई क्लास चैनल। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, 3x + 3 × x + 1 = 69। तो इसमें हमारे पास इस इक्वेशन में वेरिएबल x है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पर इक्वेशन है तो इसमें भी x वेरिएबल है और यहाँ इसमें भी हमारे पास x वेरिएबल है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। और अब क्या करेंगे, 3x एज इट आ गया प्लस 3, और यहाँ पे ये ब्रैकेट में, आपको पता है जब भी इस तरह का हमारे पास होता है ये एक टर्म है ना, तो हमने क्या कर लेना, इनको मल्टीप्लाई कर देना। 3 ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना, तो 3 को x से करवाएंगे तो 3x आ गया प्लस 3 को 1 से करवाएंगे तो 3 आ गया, समझ आए। 3 को x से भी करवाना है और 3 को 1 से भी करवाना है, तो 3x टाइम्स 3x आ गया और 3 1 टाइम 3 आ गया = 69। और अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x है और 3x है, ये हमारे पास क्या है, सेम टर्म्स हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस कर, 3x में हम 3x को प्लस कर देंगे। हम ऐसा कर सकते हैं कि इन तीनों को प्लस कर दें, नो क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ये हमारे पास जो टर्म्स हैं दोनों, ये वेरिएबल है इनमें, तो वेरिएबल है दोनों में, तो और वेरिएबल भी सेम है, एक्स है इधर भी एक्स है, तो इसलिए हम इनको सेम प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x भी होता तो हमने, या 4 या 5 जो भी होता, लेकिन हम उनको प्लस कर सकते थे, बिकॉज़ ये भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों वेरिएबल सेम है, इसलिए हम उनको प्लस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर एक और टर्म होती, या यहाँ पर 3x ना होता, ओनली 3 होता या 4 होता या 5 जो भी होता, लेकिन कॉन्स्टेंट टर्म होती, तो उनको हम ऐड कर देना था, फिर 3x ये एज इट आ जाना था और इन दोनों ने प्लस हो जाना था। लेकिन अच्छा, यहाँ पर यह है कि दोनों सेम टर्म्स हैं, वेरिएबल दोनों का सेम है, तो प्लस हो जाएंगे। अगर वाई होता, फॉर एग्जांपल 3x है, यहाँ पर वाई होता तो प्लस ना होता। 3x में 3x को प्लस करेंगे तो 6x आ जाएगा, ओके। और जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फिर एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर प्लस हो रहा है तो एक्स आ जाना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए आपने याद रखना है कि एक्स जब हमने प्लस करवाना है तो 1 टाइम एक्स आ जाना। 3 एज इट आ गया, 69 भी एज इट आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर लेते हैं कि 6x को यहीं पे रहने देते हैं, बिकॉज हमें जो एक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 69 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो इसको इस वाली साइड पर, राइट साइड पर लेके आएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। आपको पता है जब भी कोई टर्म राइट साइड से लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाती है, तो उसका साइन, अगर उसका जो साइन है प्लस का हो तो उधर जाके माइनस हो जाता है, और माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस साइन था तो हम यहाँ पर लेके आए, तो यहाँ पर उसका साइन चेंज हो गया और माइनस हो गया। 69 में से 3 को माइनस करेंगे तो 66 आ गया, 6x यहाँ पर। और अब क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर टू स्टेप्स हैं, हम टू मेथड्स हैं, हम कोई भी फॉलो कर सकते हैं। ये सिंपल, ये भी सुन लें, और नेक्स्ट पे मैं यहाँ पे और लिखे, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, तो दोनों में से जो भी आपने फॉलो करना है आप कर सकते हैं। एक्स यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या है, 66 है, 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब भी आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक्स है, वाई भी होता है, या एक्स है तो एक्स यहीं पर रहेगा, उसके साथ जो नंबर होता है वो हमारे पास कोएफिशिएंट होता है, तो कोएफिशिएंट जब इसके साथ है वेरिएबल के साथ, तो हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, फिर हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, तो यहाँ पर आकर दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाता है, वो आपने याद रखना है हमेशा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इधर आकर डिवाइड हो जाता है, जैसे प्लस हो रहा हो तो उस साइड पर जाके माइनस हो जाता है, ओके। अब डिवाइड कर देंगे इसको तो कैसे हो जाएगा, 66 को 6 से, या कटिंग कर दें तो एक ही बात है, 66 को 6 से डिवाइड करें तो 11 आता है, और x = 11 आ गया। यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि आप एक और मेथड है इस स्टेप के बाद, या तो ये मेथड, ये स्टेप कर लें, या ये जो मैं लिखने लगी वो कर लें, दोनों सही है, दोनों नहीं करने, दोनों में से एक करना है, ओके, इसलिए मैंने और लिखा है। तो यहाँ पर आप ये लिख लें कि इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप, 6x बाय 6
बाय सिक्स, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय या डिवाइडिंग बाय सिक्स, समझ आ गया? दोनों तरफ हम लोगों ने डिवाइड कर दिया सिक्स से, तो अब आपकी मर्जी है, इसके बाद या तो ये वाला स्टेप कर लें या तो ये वाला कर लें, जो भी आपने करना है आप दोनों में से फॉलो कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर लें, ठीक है? आप मुझे बता दें आपको कमेंट में करके, तो नेक्स्ट वीडियो में, ताकि फिर मैं इसी मेथड को, आप ये सही रह रहा है आपके लिए या ये वाला स्टेप सही रहता है, आपको इन दोनों में से कौन सा बताया गया। ओके, तो नेक्स्ट फिर यही है, इस कंडीशन में भी ये सिक्स सिक्स से कैंसिल हो जाएगा और एक्स ही रह जाएगा, और ये दोनों कटिंग हो जाएंगे या डिवाइड हो जाएंगे तो इलेवन ही रह जाएगा, दोनों कंडीशन में आंसर तो सेम ही आना, तो इस तरह एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई, एक्स इक्वल टू इलेवन आ गया। यहाँ पर देखिए मैंने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है, अगर आपको ये वाला इस तरह का कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, वीडियो देखेंगे उसके बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रेलिवेंट वैल्यूज चेंज भी हों तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आए यहाँ पर वैल्यूज चेंज हों, जैसे थ्री एक्स है, कोई और वाई भी हो, यहाँ भी वाई हो, तो फिर आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।